हे गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, बिकॉज आज का वीडियो आप अगर देखते हो तो आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। सोचो आप इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, या फिर नेपाल से हो, या फिर किसी दूसरे कंट्री से हो, ओके, और आप वर्क करते हो, आप फ्रीलांसिंग करते हो, आप यूएसए के कुछ बड़े बड़े कंपनीज के साथ वर्क करते हो, ओके, तो आपको पैसा रिसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होता होगा जो कॉमन है। आज का वीडियो को आप अगर कंप्लीट देखते हो तो आज मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूं इस वीडियो में। इस वाले वीडियो को ध्यान से देखो, आपको बहुत वैल्यू मिलने वाला है। तो चलिए आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एटीएम का, ओके। तो आज हम लोग आपको बताएंगे किस तरह से आप यूएसए वर्चुअल अकाउंट क्रिएट करोगे। राइट नाउ एटीएम आप लोगों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है यूएसए वर्चुअल अकाउंट ओपनिंग का, ओके। तो ये क्या चीज़ है, ओके, यूएस वर्चुअल अकाउंट एक तरह का आपको एक वर्चुअल अकाउंट प्रोवाइड कर देगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, किसी भी कंट्री में रहो, आपके नेम पे एक यूएसए का एक वर्चुअल अकाउंट क्रिएट होगा, ओके, जो वर्चुअल अकाउंट से आप पैसे रिसीव कर सकते हो, पैसे विड्रॉल कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ओके। मैंने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था किस तरह से आपको एटीएम पे अकाउंट क्रिएट करना है और किस तरह से आप एटीएम से पैसे कमा सकते हो एज ए कैशियर, ओके। तो अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हो तो वो वाला वीडियो भी देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ओके। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो प्लीज़ अपना यूएसए का वर्चुअल अकाउंट क्रिएट कर लो, बिकॉज अभी ये फ्री है, बाद में नहीं पता ये फ्री रहेगा या नहीं रहेगा। अभी जो लोग इस अकाउंट को क्रिएट करते हो उन लोगों को ये अकाउंट फ्री में मिलेगा। अब देखो यूएसए का वर्चुअल अकाउंट में क्या रहेगा कि आपको एक वर्चुअल अकाउंट मिल जाएगा, एक वर्चुअल बैंक एड्रेस मिल जाएगा, ओके, राउटिंग नंबर सब कुछ आपको मिलेगा। तो सिंपल सा फंडा है, तो चलिए हम लोग इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लॉग इन पर क्लिक करेंगे, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट है तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लॉग इन कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हो, हम लोग यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में लॉग इन कर लिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो मैं बहुत ही रेगुलरली बेसिस पर यहाँ पर एटीएम का यूज़ करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हमारे बहुत ट्रांजेक्शन यहाँ पे होते हैं एटीएम के हमारे, ओके। तो आप भी एटीएम को यूज़ कर सकते हो बहुत सारे वर्क पर्पज़ के लिए, ओके। तो चलिए अब हम लोग आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे अपना अकाउंट यूएसए का कैसे क्लेम करना है। तो यहाँ पे आप जैसे आते हो डैशबोर्ड में, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यूएसए वर्चुअल अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रिसीव यूएस बैंक और ई वॉलेट ट्रांसफर डायरेक्टली टू योर एटीएम अकाउंट, ओके। तो यहाँ पे ये लोग आपको बोला गया है ओपन योर यूएस वर्चुअल अकाउंट 100% फ्री। अभी ये फ्री है तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट कर लो, ओके। अब आपको यहाँ पे बोल रहा है कि आपको जो आपका जो अकाउंट होगा उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, बट आप जब भी यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको एक बहुत स्मॉल फ़ी, ओनली 1.75% आपको एक ट्रांजेक्शन फ़ी देना है, ओके, ओनली, ओके। तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है, आपको यहाँ पे ये बॉक्स पे टिक करना है, ओपन योर यूएस वर्चुअल अकाउंट पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो एक्सेप्ट टर्म एंड वेरीफाई आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई आपको अपना आइडेंटिटी करना है, ओके। तो यहाँ पे आप रीड टर्म्स के ऊपर आप जा सकते हो। जैसे रीड टर्म्स के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स खुलेगा, ओके, दिस एप्लीकेशन यूज ब्रिज टू सिक्योरली कनेक्ट अकाउंट एंड मूव फंड्स, ओके। आपको यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। सारा सेटिंग को आप यहाँ पे देख लीजिए, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग आवर टर्म्स एंड सर्विसेज, ओके। अब आपको यहाँ पे अपना आइडेंटिटी वेरीफाई करना होगा। उसके पहले आप यहाँ पे एक चीज़ चेक कर लो कि आपका ये जो ब्राउजर है यहाँ पे पॉपअप ब्लॉक नहीं किया हुआ है, ओके। आपको यहाँ पे वेरीफाई आइडेंटिटी पे आपको क्लिक करना है और गेट स्टार्टेड वी नीड सम इन्फॉर्मेशन टू हेल्प यू कन्फर्म योर आइडेंटिटी, ओके। ऐसा एक पेज आएगा और उसका आपको बिंग वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पे पूछा गवर्नमेंट आईडी, ओके, गवर्नमेंट आईडी पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, दुनिया का किसी भी कंट्री से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इंडिया से हूँ तो मैं अपने इंडिया का आईडी यहाँ पे चूज कर लूंगा। तो यहाँ पे हम लोग इंडिया सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। आप ड्राइवर लाइसेंस, नेशनल आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हो, ओके। मैं यहाँ पे पैन कार्ड सिलेक्ट करूँगा, आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है, या फिर वोटर आईडी, या फिर पासपोर्ट, या फिर आपका पास आधार कार्ड वगैरह कुछ भी है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ पैन कार्ड, पैन कार्ड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ओके। अपलोड ए फोटो, ओके, टेक ए क्लियर फोटो ऑफ फ्रंट ऑफ योर गवर्नमेंट आईडी, ओके। तो कंटिन्यू ऑन अनदर डिवाइस, ओके, कंटिन्यू ऑन अनदर डिवाइस पे मैं क्लिक करूँगा, बिकॉज मैं अभी डेस्कटॉप में हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपने स्मार्टफोन से करूँ। तो मैं जैसे उस पर क्लिक करूँगा तो
मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको स्कैन कर लूँगा यहाँ पे QR को। हम लोग डायरेक्टली QR को स्कैन करके अपने स्मार्टफोन में आ गए हैं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना पैन कार्ड यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं अपलोड फ़ोटो पे जाऊँगा, ओके, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी फ़ोटो है। तो मैं अपलोड फ़ोटो पे जाके डायरेक्टली फ़ोटो को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे ये फोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे यूज़ दिस फोटो पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे ID प्रोसेसिंग पे ये चला गया है। ओके, ID यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। हम लोग का यहाँ पे गवर्नमेंट ID यहाँ पे अपलोड हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। ओके, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पे हम लोग क्लिक करना है। उसके बाद व्हाट कंट्री डू यू करंटली लिव इन, तो यहाँ पे हम लोग कंट्री सिलेक्ट करना है, बिकॉज दुनिया भर के कंट्री से लोग यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंडिया। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। के बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी डिटेल है, बिकॉज आपने अपना AATM का अपना अकाउंट क्रिएट किए हो, तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगा। तो सब कुछ रीचेक कर लेना है, आपका नेम, आपका बर्थ ऑफ ईयर, ओके, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सब, एड्रेस, ओके, तो ये सब आपको यहाँ पे देना है। ओके, मैं यहाँ पे अपना डिटेल यहाँ पे दे देता हूँ और उसके बाद मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। आपने यहाँ पे अपना डिटेल दे दिया, ओके, और आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर भी देना होगा। ओके, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह रहेगा, फिर कंटिन्यू आपको क्लिक करना होगा। जैसे हम लोग कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, कांग्रेचुलेशन, यू आर डन, थैंक्स फॉर वेरीफाइंग योर आइडेंटिटी। हम लोग यहाँ पे वेरीफिकेशन कंप्लीट हो गया है, हम लोग यहाँ पे वेरीफिकेशन हो गया है। हम लोग US वर्चुअल अकाउंट पे फिर से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो जो हम लोग का पेंडिंग था वो हम लोग का एक्टिव हो गया है। US वर्चुअल अकाउंट के नीचे यहाँ पे एक्टिव का आपको आइकन देखने को मिल रहा है। ओके, हम लोग वर्चुअल अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम आप $5 विदड्रॉल कर सकते हो, मैक्सिमम आप $1,00,000 विदड्रॉल कर सकते हो। फी जो है वो है 1.75%, जो बहुत कम है। ओके, और फिक्स रेट क्या है, फ्री है। ओके, आपको यहाँ पे चेकिंग अकाउंट मिलेगा, उसका अकाउंट नंबर मिलेगा, बेनिफिशियरी नेम मिलेगा, राउटिंग नंबर मिलेगा, बैंक नेम मिलेगा, और आपको यहाँ पे एक एड्रेस भी मिलेगा। ओके, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। आपको मैं बता दिया किस तरह से आप यहाँ पे US वर्चुअल अकाउंट यहाँ पे आप क्रिएट करोगे। अगर आप चाहते हो कि AATM से आप घर में बैठ के पैसे कमाओ, तो आप AATM का कैशियर बन सकते हो। ओके, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना के रखा है, तो आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसको देख लेना। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप घर में बैठ के 20,000 से 50,000 रुपये हर महीने अगर आपको अर्निंग करना है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ आप डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट कीजिए राइट नाउ 2024 में। ये वन ऑफ द बेस्ट वे है घर में बैठ के पैसे कमाने का। ओके, और राइट नाउ अभी हम लोग का चल रहा है डिस्काउंट। ओके, तो राइट नाउ आप अगर डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस कोर्स को अगर आप परचेस करते हो, तो आपको मिल जाएगा एडिशनल 10% डिस्काउंट। इसका ओरिजिनल प्राइस 2,500 है, बट राइट नाउ आपको ये सेम कोर्स आपको मिल जाएगा 499 रुपीज में, प्लस एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। जो कूपन कोड आपको यूज करना है वो है DP10। चेकआउट के समय आपको DP10 कूपन कोड यूज करना है और आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, बिकॉज आप डिजिटल प्लस के कम्युनिटी मेंबर हो। अभी आपके स्क्रीन पे एक वीडियो आ रहा है, उस वीडियो को जाकर देखिए और घर में बैठ के एम टक से अर्निंग करना स्टार्ट कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।